अब तक मुझे लगता था कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रिकमेंडेशन नहीं होता है, लेकिन अब यहाँ भी बैकडोर से लोगों की सिफारिश आने लगी है। उस हिसाब से तो तुम्हें छोटी सी नौकरी मिलनी भी मुश्किल है, लेकिन तुम्हें चाहिए सॉफ्टवेयर की नौकरी। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हाँ, कीजिए ना सर। विंडोज के बारे में तुम क्या जानते हो? ये सॉफ्टवेयर अविनाश सब कुछ जानता है सर। क्या है सर, आप भी विंडोज के बारे में आखिर कौन नहीं जानता है? अरे विंडोज तो छोड़िए सर, मैं तो गेट्स, कर्टन्स, डोर्स, बैकडोर्स सब के बारे में जानता हूँ। सो फनी, मैं विंडोज और गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ओह, आई सी। तुम्हें कौन कौन सी भाषा आती है? मैं गुजराती, इंग्लिश, हिंदी सभी भाषा जानता हूँ सर। अरे अरे अरे, कंप्यूटर की भाषा में लैंग्वेज का मतलब गुजराती, हिंदी, इंग्लिश नहीं, सी, सी प्लस प्लस, जावा। हे भगवान, मैं तुमसे सर एक सवाल पूछता हूँ, तुम उसका सीधा सीधा जवाब दो। पूछे ना। तुम फालतू में कंप्यूटर इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहता हूँ अभी बताता हूँ, इसमें फेस्टिवल्स है। क्या फेस्टिवल्स? ओह सॉरी, इसमें फैसिलिटीज भर भर के। कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं? पिकअप और ड्रॉप है सर, और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करो। खाने के लिए एक से एक आइटम मिलता है, प्यास लगे तो रेड बुल और डाइट कोक मिलता है, बाहर निकलो तो कैफेटेरिया है। ज्यादा काम करके थक जाओ तो आप आराम फरमा सकते हैं सर। यहाँ तो एक से एक लड़की दिखती है सर, एकदम झक्का सर, रापचिक ड्रेस पहने ली सर। सर दर्द हो तो सैराडॉन, बुखार हो तो क्रोसिन, बॉडी में दर्द हो तो ब्रूफिन, और खाना हजम ना हुआ तो डाइजिन। सारी बीमारियों का इलाज एक ही जगह पर होता है। इसके अलावा एवरी ईयर इंक्रीमेंट, फॉरेन टूर, प्रोजेक्ट ओके हो गया तो पार्टी, ये सब होता है। और बहुत कुछ होता है सर, टीम मीटिंग, टीम लॉन्चिंग ऑन साइट, शिफ्ट के हिसाब से वीकेंड पार्टीज और बर्थडे सेलिब्रेशन, एवरी ईयर टीम आउटिंग्स, सोसाइटी में बड़ा नाम, शादी होने पर लाखों रुपए का दहेज, अगर एक्सीडेंट में मर गए तो 45 लाख का इंश्योरेंस, बिना किसी इंक्वायरी के होम लोन, बाइक लोन, कार लोन और न जाने कितने टाइप के कार्ड्स। देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो फैसिलिटीज है वो कहीं और है क्या, बताइए सर। क्या हुआ सर? तुम्हारी इस रिसर्च के आगे हाथ जोड़ता हूँ। इतना ध्यान अगर तुमने पढ़ाई में रखा होता तो बिना किसी सिफारिश के तुम बिल गेट्स की तरह बड़े आदमी बन जाते। यू आर सिलेक्टेड सर। थैंक यू सर। हाय बेबी, कहाँ हो तुम? सरप्राइज, मैंने तुम्हारे लिए आईफोन लिया है, हम अभी मिलते हैं, ओके? ए इडियट, लव करने पर लड़की को गिफ्ट मिलता है लेकिन लड़कियां कभी गिफ्ट देती नहीं है, डम्बो। क्या बोल रही हो? मैंने उसे आईफोन गिफ्ट किया फिर भी उसने लिफ्ट नहीं दी, समझ रही हो तुम? अरे शेखर, प्यार तो दिल से होता है, जबरदस्ती या सिफारिश करने से प्यार नहीं होता है। सुनो, तुम्हारा नाम गीता है इसलिए मेरे सामने गीता का ज्ञान मत झाड़ो, समझी? अरे एक बात बता, मैं दिखने में रजनीकांत की तरह हैंडसम लगता हूँ ना, फिर भी लड़कियाँ मुझे घास क्यों नहीं डालती? और अपने गणेश को देखो, उसके पीछे लड़कियाँ मक्खियों की तरह भिनभिनाती रहती है यार। अरे यार, कल तू कहाँ गई थी? फोन भी नहीं किया और रात को रूम पर भी नहीं आई। कल रात रामलीला फिल्म देखने गई थी। कैसी थी फिल्म? रणवीर सिंह को देखने में ही टाइम निकल गया, फिल्म देख ही नहीं पाई। अरे यार, तू कभी नहीं बदलेगी। अरे यार, ये वापस आ गया, वाव। अरे इसे देखकर तो मैं पागल हो गई हूँ। अरे यार, ये तो चला गया, अब वापस नहीं आएगा। कहाँ तक जाएगा? 120 की स्पीड में गया है, 240 की स्पीड में मेरे पास ही आएगा। क्या सच में आएगा? बहुत दिनों से वो मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। क्या बात कर रही है तू? वो तुझे पटाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन वो हैंडसम डूड तो अकेला घूम रहा है ना?
घूमने दे, घूमने से उसे खुशी मिलती है और घुमाने से हमें खुशी मिलती है। देख अब तू ज्यादा ही बोल रही है, इतना हैंडसम डूड तुझ पर लाइन मार रहा है, ये कुछ ज्यादा नहीं हुआ क्या? इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस तू देखती जा, वो बाइक ठीक मेरे सामने खड़ा करेगा और मुझसे प्यार भरी बातें करेगा, देख लेना। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, तुम कितना भी ट्राई कर लो, मैं नहीं फंसूंगी, नहीं फंसूंगी, नहीं फंसूंगी, पर मैं फंसने के लिए तैयार हूँ। हाय। ए लड़की, गणेश ट्राई करे और कोई लड़की फंसे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये देख, जस्ट चिल बेबी। सेक्सी गर्ल, रात है अभी बाकी, होने दे वो बात, बात है अभी बाकी, मस्ती की है रात, ओ मेरी मैडोना, आजा मेरे पास आके एंजॉय कर लेना, नजर मिला ले मुझसे जान, कर ले मेरे संग रोमांस, कल का वेट करो ना तुम, जब आज मिला है ऐसा चांस, स्टाइल से स्टाइल पे हर गर्ल होती क्रेजी, टाइम यही टाइम है रोमांस का, ओ की है रात, ओ मेरी मैडोना, आजा मेरे पास आके एंजॉय कर लेना। सेक्सी गर्ल, रात है अभी बाकी, होने दे वो बात, बात है अभी बाकी, राइट यहाँ सब राइट है गोरी, मिलता नहीं कोई चोरी चोरी, खुल के हर दिल मिलते ना दुनिया की परवाह, उसने यहाँ मस्ती में झूमे, इश्क यहाँ मस्ती में झूमे, हर दिल के एक ही मंसूबे, लेना है मजा, मस्ती वाली नाइट है, लाइफ यही लाइफ है, जॉय और एंजॉय से भरी है पूरी लाइफ, स्टाइलिश स्टाइल पे हर गर्ल होती क्रेजी, टाइम यही टाइम है रोमांस का, ओ बेबी, मस्ती की है रात, ओ मेरी मैडोना, आजा मेरे पास आके एंजॉय कर लेना। स्टाइल पे हर गर्ल होती क्रेजी, टाइम यही टाइम है रोमांस का, ओ बेबी, मस्ती की है रात, ओ मेरी मैडोना, आजा मेरे पास आके एंजॉय कर लेना। यही स्टाइल का लड़का है ना, आजकल बहुत ज्यादा बिजी हो गया। बिजी क्यों नहीं होगा, कोई नई लड़की फंसाई होगी इसने जरूर।
मेरे लिए तो ये आम बात है, तुम लोग कुछ नया सुना? सुनाने जैसा कुछ नहीं है, घर से बाहर आकर कॉफी डे में जाकर बार बार कॉफी पीते रहते हैं। तुम्हारी तरह लड़कियों के साथ घूमने का अपना नसीब कहाँ है भाई? अरे तू उनसे दूर भागता है या वो तुझसे दूर भागती है? एक रख के दूंगा मोटी। अरे भाई तू लड़कियों को कैसे पटाता है बताना। मुझसे तू एक भी नहीं पटती यार। यार लड़कियां तीन कैटेगरीज की होती हैं, एक तो ऑर्डिनरी होती हैं, इसमें मिडिल क्लास, और उससे भी नीचे। इनके सपने ज्यादा होने के बावजूद रियलिटी के बहुत करीब होते हैं। इनके साथ बहुत प्यार से पेश आना पड़ता है, रोज मिलना पड़ता है, कई महीनों तक वेट करना पड़ता है, साल भर प्यार करना पड़ता है। मतलब उनको लॉन्ग लाइफ चाहिए। उनको पटाने के लिए हमारे अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा होना चाहिए। अगर तू मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, भरोसा दिलाना पड़ता है, वरना लड़कियां पटती नहीं है। और अगर पट गई तो रिमोट हमेशा उनके हाथ में रहता है, हंसकर बातें करनी पड़ती है, रोज फूल देने पड़ते हैं, प्यार भरी नजरों से देखना पड़ता है, पिक्चर दिखानी पड़ती है, कभी कभी गिफ्ट देना पड़ता है, और आइन की शॉपिंग बहुत इजी होती है, हेयर बैंड, रबर बैंड या कभी कभी इमिटेशन ज्वेलरी। इन्हें पटाना मुश्किल है, लेकिन वैसे छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। आंसू के सैलाब लाती है, खून से खत लिखती है, वगैरह वगैरह। टेक नंबर टू, एक्सप्रेस। इस कैटेगरी की लड़कियां मिडिल क्लास या उससे थोड़ी ऊपर। इन्हें पटाने के लिए हमारे पास क्लास, क्वालिफिकेशन जरूरी है, फैमिली बैकग्राउंड तो होना ही चाहिए, मतलब हर हाल में मेंटेनेंस कमाल का होना चाहिए, हर चीज में कंपैरिजन करती हैं। आखिर में बॉयफ्रेंड की बात आती है तो वो ऐसा दिखाएंगी, मरते दम तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन हमसे कोई अच्छा मिल गया ना तो बाय बोलती है। इनमें से कुछ लड़कियां दिल से प्यार करना चाहती हैं, लेकिन सामने कोई लड़का दिख जाना जो लाइफ सेट कर देगा तो प्यार का पंचनामा हो जाता है। अब है नंबर थ्री, मेट्रो। इस कैटेगरी की लड़कियां हाई क्लास, हाई फाई होती हैं। इन्हें पटाने के लिए आपके पास कार चाहिए, बैंक में पैसा होना चाहिए। इनमें से अक्सर लड़कियां फ्रेंड्स के जरिए मिलती हैं, फ्रेंड की फ्रेंड हो या फ्रेंड का बॉयफ्रेंड हो। ऐसी लड़कियां पार्टी में या फिर अक्सर पब में दोस्ती कर लेती हैं। ऐसी लड़कियां सुबह हैंगओवर उतरते ही सब कुछ भूल जाती हैं। इनमें से कुछ ऐसी होती है जो दिल से प्यार करना चाहती है, वो अपनी कैटेगरी और अपने क्लास वाले को ढूंढ के निकल लेती हैं। इनको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, हर रोज पार्टी, लगातार मैसेज करना, ऑनलाइन डेटिंग, महंगे गिफ्ट्स और भी लफड़े होते हैं। अगर हम अपडेट्स नहीं दे पाए तो पीछे नई पार्टी रेडी रहती है। और एक बात बताता हूँ, इनसे ब्रेकअप करना इजी है। बोलो ब्रेकअप, फोन स्विच ऑफ करके दो पैग मार के आराम से सो जाओ, सुबह मैटर क्लोज्ड। सो यह है मेरी यानी गणेश की सीधी सादी थियोरी। पहले मैं लड़की की उम्र पता करता हूँ, ऊपर से नीचे तक समझ लेता हूँ, और कैसे पटाना है प्लान करता हूँ। बोला ना, बहुत आसान है। अरे गणेश, मैं भी इसी थ्योरी पर एक लड़की को जल्दी पटाऊंगा और उसकी कैटेगरी जान लूंगा और उस लड़की को लेकर यहाँ आऊंगा। ऐसा नहीं है यार। अरे बात मत कर। एक बार बात, मैंने कहा ना बात मत कर। अरे 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 सुन, एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। आप तुम डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड? मत जाओ। अरे भाई वो लड़की, मजाक उड़ा ले, तेरे साथ हुआ होता ना तो पता चलता। ओके गाइस, बाकी बातें शाम को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा गणेश, हाँ शाम को पार्टी में आ जाना, पी के मस्ती करेंगे। ओके बाय। हाँ ओके। हमारी कंपनी को अवार्ड मिलने की खुशी और आप सबके एंजॉयमेंट के लिए ये गेट टुगेदर है। ये तो आप लोगों के लिए छोटी सी बात है, दरअसल इसकी वजह थी मैं आप सब लोगों से मिलना चाहता था। मुझे आप में मैं नजर आता हूं, ये मैं तहे दिल से कहता हूं। एक बात बताऊं, आज से 20 साल पहले एक एम्बिशन से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और आज ये साम्राज्य खड़ा किया। ये लोग कब आएंगे? गला सूख गया है, गला गीला करना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये ड्रिंक है ना? वाटर सर। तो ड्रिंक कब? मीटिंग खत्म होने के बाद सर। मीटिंग? मुझे पानी पसंद नहीं है, वोडका पसंद है। हमारा एक सपना होना चाहिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी चाहिए, अपना एक टारगेट होना चाहिए। हर कदम पर रुकावटें आती है, लेकिन मेहनत में रुकावट नहीं आती। मेहनत और लगन, ये दोनों ही आपको कामयाबी देती है। यह अवार्ड्स रिवार्ड्स मेरे लिए नया नहीं है, और हां ये सक्सेस सिर्फ मेरी नहीं है, हम सभी की है। काम करके एंजॉय कीजिए, एंजॉय होके काम कीजिए। कांग्रेचुलेशंस
and all the best to one and all. Let us celebrate the party. Enjoy. You're beautiful, beautiful, you should know it. You're beautiful, beautiful, you should know it. I think it's time, let's show it. You're beautiful, beautiful. Baby, what you doing, where you at, where you at? Why you acting so shy, hold it back, we're not the only ones doing it like that, so DJ, bring that, bring that, bring that, bring that back. क्या बात है, प्यार हो गया क्या? मुझे प्यार व्यार कभी खुश नहीं होता। ए गणेश, ए गणेश उठना, अरे उठना यार। क्या यार, वीकेंड है यार। तो क्या करूं? वीकेंड में क्या करूं पूछ रहा है? पूरे शहर में जाकर देख लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आंटियां शॉपिंग करने में बिजी हैं, अंकल लोग बार में जाकर बिजी हैं, गर्ल्स एंड बॉयफ्रेंड सब बिजी हैं, पूरी दुनिया वीकेंड के मजे ले रही है, तू यहाँ पर सो रहा है यार। अरे चल उठना यार। यार परेशान मत कर। परेशान नहीं कर रहा, सिनेमा जाना है। सिनेमा? हाँ, मल्टीप्लेक्स में हिट फिल्म लगी है, अपने सारे दोस्त उधर ही हैं, तू भी चल। नहीं मुझे नहीं आना यार, वहाँ लड़कियां भी है। लड़कियां? हाँ, पूरे आईटी के आइटम वही है। एक मिनट में आया। दू क्या एक रख के आइटम सुनते ही खड़ा हो गया। चल। ए, देखना हो गया तो आगे चलें। कभी कभी आंखों को ठंडक देनी चाहिए, बहुत सुकून मिलता है यार। मुझे पता है। अब कहाँ गया? ए, शो का टाइम हो गया, चलना यार। ए, तू जाना, मैं अभी आता हूं। ये सुधरेगा नहीं। पूरी दुनिया याद भुलाने के लिए दारू पीती है और तू उसे याद करने के लिए दारू पी रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या ऐसा कुछ नहीं है, बकवास करता है, कुछ बताएगा भी या खुद ही अपसेट रहेगा। अरे वो पार्टी में और थिएटर में जो लड़की को देखा उसके बारे में सोच रहा हूँ।
ऐसी लड़कियां पार्टियों में एड फिल्म की तरह आती हैं और चली भी जाती हैं। उसके बारे में ज्यादा मत सोच, अपने प्रोग्राम के बारे में सोच। वो लड़की एड फिल्म वाली लड़की नहीं है, वो लड़की है रोमांटिक फिल्म वाली। एक कैन में ही आउट हो गया। असल में वो लड़की कौन है जानता है क्या? उसके बारे में जरा बता। बायोडेटा बताऊं क्या? लड़की का नाम संध्या, उम्र 22, कोलकाता में पैदा हुई है। माँ गीता चटर्जी, पिता वीरेंद्र चटर्जी। माँ और पिताजी दोनों ने लव मैरिज किया था। उनकी वन एंड ओनली डॉटर संध्या, उसने वहाँ आईटेक किया। अभी फिलहाल करेस्पोंडेंस में विजी ब्लेनिंग में मास्टर डिग्री करके तुम्हारी कंपनी में जॉब कर रही है। फ्री वक्त में म्यूजिक सुनती है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती है। उसे मीठा पसंद है, खासकर बंगाली मिठाइयां। और हाँ, उसे गुस्सा भी बहुत आता है। उसे पालतू जानवर ज्यादा पसंद है, जैसे कि प्यारे प्यारे छोटे छोटे कुत्ते। उसकी टोटली ऑपोजिट लड़की रूपा के साथ मधुरा नगर डी ब्लॉक में रूम नंबर 138 कस्तूरबा हॉस्टल में फर्स्ट फ्लोर ईस्ट फेस में जो कॉर्नर का रूम है वहां रहती है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है ना? इतनी सारी रिसर्च तुमने कब की यार? रिसर्च थ्योरी कब की खत्म हो चुकी है, अब बस शुरू होगा तो प्रैक्टिकल्स। नैनो में सपना, सपनों में सजना। नेक्स्ट वीक मेरी नाइट शिफ्ट है यार। हाँ, मेरी भी। बाय स्वीटहार्ट। बाय। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। श्योर। ओके। बाय। क्यों आए हो? तुमसे जरा मिलने का दिल किया बेटी। अभी परसों तो पैसे दिए थे मैंने, फिर यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ। दो दिन से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसीलिए मैं घबरा गया था। अब इसमें इतना घबराने की क्या बात है, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। बेटी तुम लड़की हो, इसलिए घबरा गया था। मैं अपनी कमाई के आधे से ज्यादा पैसा आपको भेजती हूँ, तो फिर आप घबराते क्यों हैं? मैं अपनी खुद की जिंदगी नहीं जी सकती क्या? यहाँ घबरा के आए हो या किसी शक की वजह से आए हो? ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, जमाना खराब है और फिर तुम अकेली रहती हो, इसलिए थोड़ा डर लगता है। पर मुझे विश्वास है तुम अपना ख्याल रखोगी। जा रहा हूँ मैं, बीच बीच में मुझे फोन करते रहना। अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने कुछ भेजा है, ये लो। चलती हूँ। रूपा, तुमने कहा था कि शाम तक आ जाओगी। मैं क्या करती, उसने मुझे आने ही नहीं दिया। रियली? रात भर तो उसके साथ थी। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है? फ्राइडे इवनिंग को गई थी और अब वापस आ रही है। बॉयफ्रेंड का अपना फ्लैट है, वीकेंड था तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे। देख रूपा, अब तो बच्ची नहीं रही, इस तरह रात भर किसी लड़के के साथ रुकना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अगर ये बात तेरे मम्मी डैडी को पता चली तो उन पर क्या गुजरेगी? कम से कम उनके बारे में तो सोच। अब तू लेक्चर मत दे। अभी पिताजी के लेक्चर ने मेरा दिमाग चाट लिया, अब तू तो दिमाग मत खा। हमारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? बचपन से लेकर जवानी तक माँ बाप की बंदिश है, शादी करके ससुराल जाओ तो पति और उनकी बंदिश है, तो हमें आजादी कहाँ मिलेगी? हमें अपने बारे में सोचने का टाइम ही कहाँ है? अगर अभी हमने लाइफ को एंजॉय नहीं किया तो सच में संध्या हम बेवकूफ हैं। रूपा, तुम्हारी थियोरी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हमें अपना फ्यूचर इसी टाइम पर बनाना पड़ता है। हमारा फ्यूचर अच्छा होगा या बुरा ये समय डिसाइड करता है। तू अभी ऐसा बोल रही है, अगर कल को तुझे कोई मिल जाएगा तब तुझे पता चलेगा। आजकल की सारी लड़कियां फास्ट फॉरवर्ड हो गई है और एक तू है, अभी भी वही अटकी पड़ी है। एडवांस रहना या फास्ट फॉरवर्ड रहना ये हमारे माइंडसेट से होता है, और बाकी लड़कियों की सोच को मैं गलत नहीं कहूंगी, पर मैं खुद उनको फॉलो नहीं करूंगी। आई नो वॉट आई एम, मैं किसी भी वजह से और किसी के लिए अपनी सोच नहीं बदलूंगी। बाय। बड़ी आई बाय वाली, तुझे बदलने वाला और तेरा माइंड सेट करने वाला कोई ना कोई जरूर आएगा, तब तुझे पता चलेगा। तुझको जो सुनिए दिल बोले।
बल्ले 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 दिख तारा मेरे दिल का बोले डिंगड़िंगड़िंगड़िंगड़ा देखा तुझको जो सुनिए दिल बोले बल्ले बल्ले दिख तारा मेरे दिल का बोले डिंगड़िंगड़िंगड़िंगड़ा मुझे क्या हुआ कुछ ना पता ये प्यार है शायद यारा मेरे खुदा कुछ तो बता कैसा खुमार है छाया देखा तुझको जो सुनिए दिल बोले बल्ले बल्ले देख तारा मेरे दिल का बोले डिंग 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 डिंगड़ा मुझे कुछ तो बता ऐसे दिल ना जला दिल ना जला दिल ना जला ऐसे दिल ना जला मुझे कुछ तो बता कुछ तो बता कुछ तो बता मुझे कुछ तो बता ऐसे दिल ना जला ऐसे दिल ना जला मुझे कुछ तो बता इस तरह न जाओ यारा तू इस दीवाने से ना मिलेगा मुझसा कोई पूछ लो जमाने से जाते जाते देख ले मेरे दिल का हाल कुछ कहो तो कुछ सुनो तो कुछ करो मेरा ख्याल ठीक नहीं आशिक को सताना इस तरह दिल को तड़पाना मुझसे यूं आंखों को चुराना ठीक नहीं मेरे यारा इश्क मेरा इश्क है सच्चा जान मन कसम ले लो दिल दिया है जा भी ले लो सांस लो धड़कन ले लो सुन ले मेरे दिल की बातें बस यही गुजारिश है मिलना चाहे तुमसे ये दिल प्यार की फरमाइश है ठीक नहीं आशिक को सताना इस तरह दिल को तड़पाना मुझसे यूं आंखों को चुराना ठीक नहीं मेरे यारा देखा तुझको जो सुनिए दिल बोले बल्ले बल्ले एक तारा मेरे दिल का बोले डिंग 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 डिंगड़ा मैंने कहा था ना संध्या इतनी जल्दी नहीं पटेगी चल छोड़ उसे पटेगी नहीं पटेगी यार बहुत अच्छी तरह समझ ले लड़कियां पटती नहीं है लड़कियों को पटाया जाता है और ये लड़कों का जन्मसिद्ध अधिकार है फाइनल बात ये है कि लड़कियां पटती हैं पटाने वाला चाहिए आई बात भेजे मैं सुन लिया इस हीरो ने बिल्कुल सही कहा लड़कियों को पटाना लड़कों का जन्म सिद्ध अधिकार है लड़कियां पटती हैं बस पटाने वाला चाहिए पटाने वाला ये तू क्या बोल रहा है जैसे कि तू कहीं दूर गांव में पैदा हुआ था और मैं यहीं इसी शहर में पैदा हुआ था और आज हम दोनों साथ में हैं कोलकाता में बड़ी हुई संध्या आज हमारे शहर में आई है तेरी ऑफिस में जॉब करती है परसों पार्टी में कल थिएटर में दिखाई दी इसी को तो तकदीर बोलते हैं और समझना है अबे वहां देख कैसे और कब हॉलीवुड में जो फिल्म बनी थी टाइटैनिक वो हम यहां देख रहे हैं अभी इसी वक्त दोनों साथ में इसी को तो कहते हैं तकदीर ठीक है तुम्हें वो लड़की तुम्हारे तकदीर से मिले मान लेता हूं लेकिन वो पड़ जाएगी इसकी क्या गारंटी है उस लड़की को तुम पसंद भी तो आने चाहिए खास करके मैं कमर्शियल सिनेमा टाइप का हूं मुझे सब पसंद करेंगे अभी ये टाइम किसने फोन किया होगा इतनी रात को तूने फोन क्यों किया गणेश मिस्टर जीएम ऑफ फिट्स आपके एम्प्लॉय का दर्द नहीं सुनोगे मेरा एम्प्लॉय कौन है यार मैं हूँ कौन इट्स मी तूने कब हमारी कंपनी ज्वाइन की थी यार बस अभी अभी ऑफिस बंद हो गया कल सुबह ज्वाइन करता हूँ हाँ, अबे उल्लू के पट्टे जॉब ज्वाइन करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है वो तेरे लिए मुझे सुबह जॉब मिलनी चाहिए दोपहर में एंट्री होनी चाहिए ए, ए।
Hi, I'm Ganesh. Yes! वाले क्यों देर करवा रहा है? मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया हूँ, इसे पटाने के लिए आया हूँ। कम ऑन। हाय, आई एम वन एंड ओनली गणेश। हाय संध्या चाटर्जी, फ्रॉम वेरी दूर, मदर हिंदी फादर सिंधी। आई एम जॉइनिंग टुडे इन दिस ऑफिस, नाइस मीटिंग यू। I'm very happy working with all these lovely people in this office. कोई वैल्यूज नहीं है? संध्या चैटर्जी, यू आर फ्रॉम कोलकाता? या। डू यू नो हिंदी? या आई नो, मॉम साउथ की है, डैड बंगाली है। महाकसम, तो हिंदी में बात करते ना, कब से इंग्लिश की टांग तोड़ रहा था। तुम हिंदी तो अच्छी बोल लेते हो, लेकिन इंग्लिश ऐसी क्यों है? सबका अलग अलग स्टाइल होता है। कुछ लोग इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं, हिंदी नहीं बोलते। मैं हिंदी अच्छे से बोलता हूँ, इंग्लिश नहीं बोलता। तो शाम को क्या कर रही हो? प्लीज, ये ऑफिस है, अब मैं अपना काम कर लूँ। ये सारे फाइल्स का काम पूरा कर दो, कल सुबह तक ये प्रोजेक्ट मेरे टेबल पे होना चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ब्लैकी, व्हाट्स योर प्रोग्राम टुडे? ब्लैकी, मैं? तू क्या कोई अप्सरा है? तेरे बदन के पसीने को जमा कर लूँ ना तो ब्लैक इंक बना सकता हूँ। Hey शेखर, व्हाट्स योर प्रोग्राम टुडे? शाम को हम दोनों मिलकर मर जाएंगे। ओके, अपना काम कर। ओके बोल रही है। Hey, ऑफिस टाइम में फोन पर बात करने के लिए मना किया था ना? छोड़ यार, पहले मेरी बात सुन। ये जो तेरा बॉस है ना, मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। पता नहीं क्या फाइल का बंडल रखे गया है, डिकोडिंग एनकोडिंग करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू जरा वहाँ से मुझे कोऑपरेट कर और मैं यहाँ से ऑपरेट करता हूँ। अरे यार, तू कोई काम मत कर। तेरे सिस्टम को भी मैं अपने कंट्रोल में लेकर तेरा सारा काम मैं ही करूंगा, ठीक है? थैंक्स यार, आई लव यू। काम पर ध्यान दे, मेरे गले ही पड़ गई है तू। सब अपने काम में बिजी बैठे हैं और मैं इसके काम में बेकार होकर बैठा हूँ। GANESH गणेश, GANESH गणेश। ये अरे बैठो 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 बैठो, नीचे बैठो। क्या हुआ सर? वो मैंने जो काम दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं? सर एक्चुअली, अपनी बकवास बंद करो। टीवी और कंप्यूटर का फर्क जानते हो तुम? कंप्यूटर में बहुत सारे काम एक दूसरे से लिंक अप होते हैं, अगर तुमने एक भी गलती की तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हो सकता है। काम नहीं आता है तो सीखो, इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन इस तरह दूसरों का वक्त बर्बाद मत करो। तुम यहाँ किसी के रिकमेंडेशन से आई हो मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कुछ सीख भी नहीं सकते। गेट आउट ऑफ हियर, गो। बैठ जाओ और अपना काम करो। ऐसे सिट डाउन। संध्या, लंच पे जा रही हो? आज मैनेजर ने गणेश को डांटा ना, इसलिए लंच करने का मूड नहीं कर रहा। क्या हुआ ब्रो, मैनेजर की बात का बुरा लगा क्या? अपनी फील्ड में तो ये सब होते रहता है। अगर आप इतने दुखी हो तो आपकी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अगर दुख इससे बड़ा है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है यार। तो मैनेजर के डांटने पे तुझे दुख नहीं हुआ? फोन होगा तो मैसेज आएगा, गर्लफ्रेंड होगी तो शिकायत करेगी, बॉस होगा तो आपको डांटेगा, ये सब कॉमन है यार। इंटरेस्टिंग। अब तुम क्या करना चाहते हो? बॉस का दिमाग कैसे ठंडा करूं, इस बारे में सोच रहा हूं। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है।
वो ना एंकर बनना चाहता है, फिल्मी है, सोचता है बहुत बड़ा टीवी स्टार बन जाएगा। सबको बोलते रहता है पता नहीं क्यों मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में आ गया। बस इतना ही काफी है बॉस, अब बनेगा तेरा सॉस। एक्टिंग आती नहीं, डायलॉग चाहिए। चले कर, चले आते हैं एक्टिंग करने। सुन सोनू। हाँ बोल, किसको डुबाना है? नाम, आदत, शौक, एंकरिंग। एक बार चेहरे पर रंग लग जाए ना भाई, बंदे की लाइफ बदल जाती है। लाइफ मैं हूं ना इधर, चल फोन रख। सर मैं आए? कम इन रोहित, प्लीज। थैंक यू। रोहित सर, अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके क्या अपडेट्स हैं? फ्रांस ऑटोमोबाइल प्रोजेक्ट संध्या हैंडल कर रही है और वो दो दिन में खत्म हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट? नेक्स्ट बाकी टू प्रोजेक्ट्स के लिए 15 डेज का टाइम लगेगा, बट वी आर ऑन ट्रैक सर। रोहित, हमारे लिए ये प्रोजेक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे मरीन प्रोजेक्ट में अभी काफी टाइम है, इसलिए ये प्रोजेक्ट पहले पूरा करो, एज अर्ली एज पॉसिबल। हम पूरी कोशिश करेंगे सर। अपडेट एवरीथिंग फॉर्मली। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू मिस्टर रोहित। यस सर। सॉफ्टवेयर कंपनी में रिकमेंडेशन नहीं चलती है। यहां काम कर रहे हर एम्प्लॉय पर हमारी कंपनी की रेपुटेशन एंड एम्प्लॉयज करियर डिपेंड होता है। और किस बेसिस पर गणेश को तुमने यहां रेकमेंड किया? 10th में स्टेट फर्स्ट था सर, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में स्टेट 10th। कॉलेज में था तब 4 साल में ही वॉज ऑलवेज स्टूडेंट ऑफ द ईयर। वो बहुत ही क्वालिफाइड है सर। तुम्हारा रिलेशन समझकर रेकमेंड किया था या दोस्त समझकर सजेस्ट किया था? नहीं सर, मैंने राइट पर्सन को रिफर किया था। बी केयरफुल। श्योर सर। अब तुम जा सकते हो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे गणेश, कॉन्फ्रेंस रूम में आना। ये क्यों ज्यादा सीरियस लग रहा है? अरे यार, मैं काम में बहुत बिजी था, मुझे क्यों बुलाया? सीरियसली काम नहीं करने दोगे? बोलो, तुम्हारी मीटिंग जरूरी है या मेरा काम जरूरी है? तुम लोगों के पास टाइम पास के अलावा और कोई काम नहीं है? दोस्त। अरे यार गणेश, देख तू कुछ भी काम मत कर, इसे नीचे रख। तू किसी को भी कॉल कर, लेकिन जो भी कर साइलेंटली कर यार। अपने चेयरमैन, अभी अभी उन्होंने मेरी क्लास ली। ए, किसी से भी पंगा मत ले यार, खास करके उस मैनेजर से। तुम्हें तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना? ठीक है, कोशिश करूंगा। ओके। संध्या, क्या हुआ? एक छोटी प्रॉब्लम है, नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हम जो फ्रांस का प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे थे ना, उसकी पीओसी फाइल डिलीट हो गई है। ओह गॉड। और ये सब मेरी वजह से हुआ है यार। Definitely सर, मुझे जॉब से निकाल देंगे। ओके ओके, शांत हो जा, घबरा मत प्लीज। क्या शांत हो जा संध्या? अरे आई एम गॉन। हेलो संध्या, तू मुझे फाइल के अपडेट्स भेजोगी? सर वो एक्चुअली क्या हुआ, वो प्रोजेक्ट की फाइल डिलीट हो गई है। व्हाट? बैकअप्स नहीं है क्या? एक्चुअली सर। संध्या प्लीज कम टू द कॉन्फ्रेंस रूम और अपनी टीम को भी साथ में लेके आओ। यस सर। ओह नो। मे आई कम इन सर? या प्लीज। क्या हुआ संध्या, बताओ क्या हुआ? संध्या मैं तुमसे पूछ रहा हूं, 2 दिन में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, अब ये सब कैसे होगा? देखो अब मैं कोई भी बहाना सुनना नहीं चाहता, अगर तुम हैंडल नहीं कर सकती तो छोड़ दो ये प्रोजेक्ट। ये डिले सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काम करना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझ सकते हो। यस सर। यू मे गो नाउ। यस सर।
संध्या सर प्लीज फिक्स इट. यस सर. अब आप लोग जा सकते हो. श्योर सर. तेरी तो मैं संध्या के लिए अंदर आया, तूने संध्या को बाहर कर दिया. संध्या आई एम सॉरी. संध्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर ये पता चल जाता तो मेरी जॉब चली जाती. आई एम सो सॉरी. संध्या थैंक यू सो मच. इट्स ओके कम. गुड. फ्रांस प्रोजेक्ट टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड. थैंक यू फॉर फुलफिलिंग बिफोर टाइम. प्लीज लेट्स डू इट. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. एक्सीलेंट जॉब संध्या. और दो दिन लगने वाले इस प्रोजेक्ट को तुमने ओवरनाइट कंप्लीट कर दिया. मैं सच में बहुत खुश हूँ. कॉन्ग्रेचुलेशन संध्या. फ्रांस वाले क्लाइंट का फोन आने वाला है, उससे जरा बात कर लेना. सर मैं आप ही बात कीजिए ना सर. ऑफिस में मैं गलत इंग्लिश बोलता हूँ, ये बात तुम्हें आज तक समझ में नहीं आई? अब क्या करूं? क्या हुआ? कॉल आ रहा है या फ्रांस से? कुंजोर ओई. हाँ न्यूज़ ऑन एक्सेलेंसी. एथनोई क्रेयॉन्स थंजर नॉन्स लास्ट सेटिस्फेक्शन द क्लाइंट. मसी बकाओ चाओ. इतनी सी बात में क्या टेंशन है? अरे गणेश कांग्रेट्स यार, रातों रात तुमने तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया. क्या बात है यार. yes. इसी बात पर लेट्स पार्टी. यार पार्टी तेरी बिल शेखर देगा. तुम फिकर मत करो, बिल ये भरेगा. हमें क्या करना है, हमें तो पार्टी से मतलब है. चलो 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 चलो. अभी संध्या आएगी और हैंडशेक करके मुझे थैंक यू बोलेगी. तुम लोग जाओ. वो यहाँ क्यों आएगी? नहीं आएगी. मैंने कहा ना संध्या अभी आ रही. मुझे पता है वो नहीं आएगी. तुम लोग जाओ ना. गणेश थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. तुम्हारे आंसू देख के मुझे फील हुआ इसलिए. फ्रेंड्स ओह यस. मेरे हमदम ना मिलते मुझसे तुम जो मेरे यारा रह जाते अधूरे सारे सपने. मेरे यारा मिलो तुम मुझे तो फिर खुले ये नसी. तुम आ गए जो मेरे दिल के करीब. दिल 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 हुआ हुआ रोशन मेरा दिल ये हुआ हुआ रोशन. खिला खिला गुलशन मेरे दिल का खिला खिला गुलशन. मुझसे तुम जो मेरे यारा रह जाते अधूरे सारे सपने. मेरे यारा
था तुझे तो लगायो मुझे, बनाया गया है मेरी खातिर तुझे। तुम मानो ना मानो ये सच है सनम, दिखता है तुझ में मुझको अपना रब सनम। दिल 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 हुआ हुआ रोशन मेरा, दिल ये हुआ हुआ रोशन, खिला खिला गुलशन मेरे दिल का, खिला खिला गुलशन। मेरे हमदम ना मिलते मुझसे तुम जो, मेरे यारा रह जाते अधूरे सारे सपने मेरे यारा। चला सिलसिला जीने का मकसद तुम्हीं से मिला, जीना है हमदम तेरे वास्ते, दिखा है तुम्हीने नए रास्ते। दिल 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 हुआ हुआ रोशन मेरा, दिल ये हुआ हुआ रोशन, खिला खिला गुलशन मेरे दिल का, खिला खिला गुलशन। मेरे हमदम ना मिलते मुझसे तुम जो, मेरे यारा रह जाते अधूरे सारे सपने मेरे यारा। Yes! अरे यार, संध्या और तेरी दोस्ती के चर्चे बहुत हैं। ये सब कैसे हुआ मुझे बता। पहचान हुई, दोस्त भी हुई, बेस्ट फ्रेंड बन गई। अब आगे क्या करना है सोच रहा हूँ। हर बात कोल जाके रखता है, साफ साफ नहीं बता सकता। अगर वो लिविंग टुगेदर के लिए प्रपोज करे तो? वो नहीं मानेगी यार। नहीं मानने वाली कौन सी बात है, दो देशों को आपस में लड़ा रहा हूँ क्या? दोनों साथ रहेंगे, सिंपल बात है। ए भाई, लफड़ा हो जाएगा। अगर गणेश कंसंट्रेट करे तो कंट्रोवर्सी नहीं होगी। क्या यार, इतने बड़े शहर में तुम्हें एक एंकर नहीं मिल रहा? सिर्फ एक ही क्वालिटी मांगी थी ना, कि बंदा दिखने में 3 फीट का होना चाहिए। मन में लड्डू फूटा। अरे खंबा नहीं, क्वार्टर चाहिए। अरे बड़ी आंखें, नाक लंबी, बिल्कुल लड्डू जैसा। ए, ए, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। Excuse me, sir. आप जिस लड्डू के बारे में बात कर रहे हैं वो मैं हूँ। Oh, nice. I am Akash the magnet. अरे सर, मैग्नेट एक कैरेट है। अरे 24 कैरेट गोल्ड, गोल्ड सर। ओके सर। अरे अब तक आप कहाँ थे सर? IT कंपनी में जॉब करता हूँ सर। अरे यार, सोचा था एंकर मिल गया, लेकिन ये तो IT कंपनी का। सर, आप मुझे एंकर बनाएंगे तो मैं IT कंपनी छोड़ दूंगा सर। What? मुझे एक्टिंग का कीड़ा है सर। अरे एक्टिंग का कीड़ा तो मैं निकालूंगा ना सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हेलो, ऊपर वाले ने कैंकर भेज दिया है। प्राइम टाइम का क्राइम कमाल का होना चाहिए। सर सर, मैं हूँ ना। अब पक्का है ना? ओके। बैंगलोर की लड़की है, प्रोफाइल भी अच्छी है, फोटो भी अच्छी है। एक हफ्ते में पड़ जाएगी। एक हफ्ते में? जैसा मैंने कहा वैसे स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो कोई भी लड़की पड़ जाएगी, कंपलसरी पड़। ओके, संध्या आ रही है, तुम निकल जाओ। जाओ जाओ, जाओ, हाँ, ठीक है, जाओ, जल्दी जाओ। हाय संध्या। हाय गणेश। थोड़ी टेंशन में लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो। ये एक्सप्रेशन तुम्हारे फेस पे सूट नहीं होता, बताओ क्या हुआ? मेरी रूममेट रूपा, उसका बॉयफ्रेंड श्रीकांत। ए रूपा, संध्या। हाय संध्या। इधर ही आ रही है। हाय। श्रीकांत को तो तुम जानती हो। मीट माय फ्रेंड नरसिम्हा। हाय। हाय। लगता है हाथ मिलाने से एलर्जी है तुम्हें। बाय रूपा, मैं जाती हूँ। हेय, वेट 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 बेबी, जाने की इतनी क्या जल्दी है? रूपा मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। What do you mean? Hey, come on, sweetheart. Hey, छोड़ो मुझे।
हे तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। हे अरे रुको ना खा जा। कमाल है यार। सुपर बाइट में यार नहीं सुधरेगा। संध्या मेरी भी सेम प्रॉब्लम है। दरअसल रूममेट्स की ऐसी प्रॉब्लम होती है। मेरा रूममेट्स तो शराब पीता है, बार बार लड़कियां लाता है। छी छी सच में समझ में नहीं आता क्या करूं। तुमने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम, मैं समझ गया। मैंने कहा तो तुम भी समझ गई मेरी प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स को दूर हटाते हैं, साथ में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम? क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों मिलकर एक फ्लैट में रहते ना तो हम। यू मीन लिविंग टुगेदर? हाँ ऐसा ऐसा ही कुछ कहते हैं ना। बाय गणेश। इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? नाराज हो गई या कुछ और मतलब है? अच्छा श्रीकांत, उसके लिए हमें प्लान करना होगा यार। तू सही बोल रहा है। तू टेंशन मत ले। क्या करूं, उस पे दिल आ गया यार। सुना है तुम्हारे एरिया में तुम्हारी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, एड्रेस आसानी से मिल जाएगा। हा? तुम दोनों में से किसका नाम श्रीकांत है? मैं हूँ। तो तुम्हें श्री चरण पहुंचाना ही पड़ेगा। तो क्या करेगा बे? अच्छा तो एक्शन फिल्मों का बहुत ही शौक है। फिल्मों में अब तक देखा है ना, आज रियल में देख लो। I'm in the air, pretty women everywhere. It's a wonderful affair. Ready for some action? Franklin's, Branson, Jackson's. Hey, कौन है तू? दुनिया के कोने-कोने में मुझे एक्शन हीरो मानते हैं। इंडिया में मुझे सुपर एक्शन हीरो मानते हैं। तेरे एरिया में तुम लोग मुझे अपना बाप मानोगे। और ये तो सुना ही होगा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा। और ये बाप अपने बेटों को प्यार से समझाने के लिए आया है। समझ जाओ। स्कूल के हर एक बच्चे को पूछ ले, कॉलेज के हर एक लड़के को पूछ ले, क्लियर कट बता देंगे इस गणेश का ट्रैक रिकॉर्ड। ए, लेकिन तुमने हम सबको क्यों मारा? ओए, फूल सुंदर होता है ना, उसी तरह लड़कियां भी सुंदर होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्स दो, कमेंट्स नहीं। उन्हें इम्प्रेस करना सीखो, फोर्स कभी मत करना। ए, सुना, इसने उस लड़की के लिए हमें मारा। वाह बेटा, तू तो बड़ा समझदार है, जल्दी ऊपर जाएगा। ए, मैं ऊपर जाऊंगा या तू ऊपर जाएगा ये अभी बताऊंगा तुझे। Hey, एक बार बताया ना, लड़कियां फूल की तरह होती हैं, लेकिन फूल के पौधों में मेरे जैसे कांटे भी होते हैं। दूर ही रहना वरना पुर्जा पुर्जा काट दूंगा। क्या हुआ रे? लिविंग टुगेदर के बारे में तेरी राय क्या है? कुछ नहीं, मिलके कॉफी पीते हैं, मिलके होटल जाते हैं,
मिलके मूवी जाते हैं, मिलके जॉब भी करते हैं और साथ में फ्लैट में रहते हैं। सिंपल। पर सोसाइटी के लोग इसके बारे में? सोसाइटी की बात छोड़, पहले तो खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके बाद तेरे साथ जो रहेगा उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस दिन कोई तुझ पर कमेंट्स कर रहा था तो वो बहुत मार के आया अपना गणेश। ऐसा हुआ था? कब? कब क्या, अगर तुम गलती नहीं करोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने कोई गलती की तो डेफिनेटली लोग तुझ पर उंगलियां उठाएंगे। सब कुछ तुझ पर डिपेंड है। गणेश? हाँ? तुमने जो कहा था उसके बारे में मैंने सोचा। तो क्या तय किया? तुम्हारे साथ रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बात साफ कर देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं। ओके 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 ठीक है। बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई टीचर हो। हाँ एक और बात, हमें लिमिट्स में रहना होगा, हम सिर्फ एक घर शेयर कर रहे हैं, रूम नहीं, समझे? हम दोनों के कमरे अलग अलग होंगे। ओके ऑफ कोर्स ऑब्वियसली। एक हफ्ते के बाद एक बेडरूम एक। लेकिन गणेश हमें इतनी जल्दी घर कैसे मिलेगा? तुम क्यों टेंशन लेती हो, मैंने एक फ्लैट देखा है फुल्ली फर्निश्ड, जब भी तुम चाहो देखने आ जाओ। अच्छा ऐसा क्या, तुमने वेल फर्निश्ड फ्लैट देख भी लिया? मुझे तुमसे बच के रहना होगा। बच के रहना। हेलो। हाँ मेरे भाई, गणेश जीत गया। तूने बोला था ना कि वो नहीं पटेगी। हाँ क्या जीत गए, कौन पट गई? तेरी कंपनी में काम करने वाली वो लड़की संध्या। यस वन एंड ओनली संध्या मेरे साथ लिविंग टुगेदर के लिए मान गई। अबे तेरी तो, मैंने कब कहा था यार। सवाल की दुकान बंद, असली पिक्चर तो अभी स्टार्ट हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या हुआ आजकल, मैनेजर कहीं दिख नहीं रहा? बुड्ढे को एक्टिंग का कीड़ा था ना, उड़ उड़ के कहीं ना कहीं किसी को काट रहा होगा और क्या। अरे मैंने तो सुना है कि उसे किसी चैनल में जॉब मिल गया है। ऐसा क्या? हाँ। बाप रे, उससे कौन एंकरिंग करवाएगा। सुनो ये सब क्या है? अरे सर क्या गेटअप किया है सर। हाँ। चट्टे फट्टे, हमारे चैनल 144 पे ये प्रोग्राम देखने की बजाय ऑडियंस आपके गेटअप की फैन हो जाएगी सर। मैं एक हीरे की तरह हूँ। हाँ। रत्नों में सबसे अलग दिखता हूँ, बहुत सारे वेरिएशंस है मेरे पास। आप तो हीरे की खान। हाँ। है ये बताओ मुझे करना क्या है? एक मर्डर। हाँ? अरे मर्डर? नहीं सर, लालची पाड़ा में एक मर्डर हुआ था। हाँ। आपको एक्साइटमेंट के साथ फील करके बताना है। हाँ। तभी तो ऑडियंस कनेक्ट करेगी। मैं क्यों एक्साइटमेंट फील करूँ? अरे सर आप हीरे की खान है, एक हीरा निकाल दीजिए ना। सर हम रेडी है। अरे सब रेडी हो गया सर, लालची पाड़ा में एक मर्डर हुआ। तो मेरे लिए इतना काफी है, अब बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। मैं हूँ हीरा, मुझ में एक्टिंग का कीड़ा। अरे हा? पहले लाइट ऑन हो जाए, कैमरा चालू हो जाए, फिर ये बकते रहिएगा कहाँ से। गौर से देखो मुझे। वेलकम टू माय क्राइम शो, सामने से हिलना मत, ये मेरा शो है। शहर में दिन दहाड़े एक खून हुआ, एक दरिंदे के चाकू से एक इंसान की हत्या हुई और वो हमेशा के लिए सो गया। उसका खून सॉस की तरह बह गया। बॉस ये तो खून को सॉस से कंपेयर कर रहा है, कुछ बोलो ना। मर्डर करने वाले उस खूनी दरिंदे को पब्लिक भी जानती है, पुलिस भी जानती है, और ये सब लोग खड़े होकर चुपचाप तमाशा देखते रहे।
और ये खूनी दरिंदा समाज में चुपचाप खुलेआम घूम रहा है, बिल्कुल एक आवारा कुत्ते की तरह, एक आवारा कुत्ते की तरह, एक आवारा कुत्ते की तरह। ये कुत्ता तीन बार क्यों बोल रहा है? ऐसे लोगों को गाड़ देना चाहिए, वो भी फ्लाईओवर के नीचे बिल्कुल जिंदा दफना देना चाहिए। सुपर डुपर सर, आप तो खान है सर, हीरो की खान सर, सारे खानों की आप छुट्टी करने वाले हैं। मैं बचपन से ही थोड़ा क्रांतिकारी टाइप का व्यक्ति रहा हूं। आपने क्राइम प्रोग्राम करके तो कमाल कर दिया सर। अगर आप कॉमेडी प्रोग्राम करेंगे ना सर, तो सच बोलता हूँ लोग धमाल करेंगे। तुम लोगों की बातें भी, कम ऑन भाई। टीवी 144 देखा तो मारूंगा ऐसा प्रोग्राम किया था, धमाल हो गया, सभी लोग फ्लैट हो गए, टीआरपी भी बढ़ गई। अरे अरे क्या कर रहे हो, अरे कहां ले जा रहे हो, मैं ऑटोग्राफ नहीं दूंगा। अरे सुनो, अरे सुनो तो। नाम क्या है तेरा? नाम में क्या रखा है? चल बता। आकर्ष। आकाश? आकाश नहीं, आकर्ष द मैग्नेट। चाकू, तलवार, मेटल से काटा तो सेटल हो जाएगा। और क्या रे जिंगर, टीवी में बहुत ओवर एक्टिंग करता है रे। मुझे एक्टिंग का कीड़ा है। तू जानता है मैं कौन हूँ? क्यों, तू भूल गया क्या रे कल्लू? क्या बोला? अच्छी तरह से पहचान गया कि आप कौन है। अरे यार, मर्डर किया तो केस होगा, फैसला सुनाने के लिए कोर्ट होगा, अंदर जाने के लिए जेल और बाहर आने के लिए बेल, बीच में तू क्यों टांग अड़ा रहा है? एक्टिंग का कीड़ा है सर। इसका क्या करे सांबा? इसको काट दो भाई। सर 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 सर, नहीं सर, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए सर, मेरी शक्ल देखिए कितना भोला हूँ मैं, प्लीज। रिपीट टेलीकास्ट हुआ तो ब्रेकिंग नहीं होगा सर। ये अरे तू पहले खाकर ऐसी हो गई, मैं हाईवे पर खाकर ऐसा हो गया। तुम दोनों ने पूछा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। तो अरे गणेश इधर आना, तुम चलो मैं अभी आता हूँ। संध्या तुम ये फाइल मेरे टेबल पर। शो बाय 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 गाइस। बाय, क्या बात है भाई। क्यों गणेश, ऐसा क्या किया जो संध्या तुम्हारी सारी बात मानती है? गणेश हूँ भाई, केस को कब और कैसे पटाना है अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे गणेश तू तो ग्रेट है यार। अरे यार तू तो कॉर्पोरेट कन्हैया हो गया है। बस क्या क्या गणेश, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट लेगा या पार्टी भी देगा? पार्टी चाहिए ना तुमको, शाम को अपने फिक्स अड्डे पे आ जाओ, जिसको जो खाना है खाओ, जिसको जो पीना पियो, फुल पार्टी, बम्पर ऑफर, सब कुछ मिलेगा। क्या बोला तुमने भाई, सही बात मालूम पड़ी ना, तो तू पार्टी तो क्या पानी भी नहीं देगा क्या यार? कल से सबकी शिफ्ट चेंज होने वाली है और तेरा डे शिफ्ट है। क्या फर्क पड़ता है दिन में ऑफिस में, रात को घर पे? संध्या की नाइट शिफ्ट है भाई। क्या? अरे ये बात अभी ही बोलनी थी, बाद में नहीं बोल सकता था? पार्टी की माँ बहन कर दी, हमें नहीं पता, हम चुप थे ना। कॉमन सेंस कदा कहीं का यार, अपना तो पोपट हो गया। अरे हाँ गणेश, तुम्हारी डे शिफ्ट और संध्या की नाइट शिफ्ट। ये शिफ्ट का बदला किसने लिया यार? तुम अपना मुंह चलाओगी तो मेरा भी हाथ उठाऊंगा मैं। क्या मैं भी हाथ चला सकती हूँ? Control yourself। ए ज्यादा शान पट्टी मत कर। मुंह संभाल के बात कर। क्यों रे गणेश, मस्त एंजॉय कर रहा है आजकल? ओए माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है यार? अगर तू ऐसे ही पीता रहा ना तो तेरी विकेट जरूर गिर जाएगी। अरे तू चिंता क्यों करता है, बी कूल, रिलैक्स, एंजॉय। दुखी लोगों को ज्ञान दो, नफरत करने वालों को नहीं। नफरत क्यों यार? नफरत नहीं तो क्या, मैंने दिमाग चला के संध्या को अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया, अब ये शिफ्ट का क्या गोलमाल है यार? शिफ्ट में घूमने के लिए तो मैंने गाड़ी खरीदी। चलो एक काम करते हैं, उसकी मूर्ति बना लो, प्रॉब्लम सॉल्व।
अरे अगर मैं मूर्ति बना के बैठा रहा तो संध्या उसे प्यार समझेगी। ऐसा मूर्ति वूर्ति वाला प्यार मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इस वीकेंड पर हम सारे फ्रेंड्स मिलकर कुछ नया करते हैं। क्या कहा? हम सारे फ्रेंड्स मिलकर। मैंने कहा कुछ भी नया? नहीं यार, वीकेंड के बारे में बोला। बियर पिया तो किस कर लिया, विस्की पीता तो क्या करता? उस ऊपर वाला ने तुझे 80 किलो वजन दिया लेकिन 8 ग्राम दिमाग तक नहीं दिया। कोई बात नहीं, बट गॉड इज ग्रेट। चल निकाल एक ठंडा सा क्रेट। यस आई एम ब्रेन लोरो। चुप रहे। इस वीकेंड में काम तमाम। संध्या के साथ वाला मैटर फिनिश फिनिश फिनिश। हाय संध्या। हाय गणेश। कॉफी? कॉफी तुमने बनाई है क्या? ओके लाता हूँ। कॉफी फॉर यू। थैंक यू। संध्या कहीं बाहर चलें क्या? साथ में ही वीकेंड मनाते ना। ओके जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ओके मैं अभी आती हूँ। बेटा गणेश तेरी तो है ऐश। ओके जैसा सोचा वैसा ही हो रहा है। और कितनी देर लगाएगी? गुड मॉर्निंग गणेश। मानता हूँ उठ के सीधा गुड मॉर्निंग बोलते हैं लेकिन ये गुड इवनिंग है। टाइम देखो क्या हुआ है, शाम के 6 बजे। सॉरी गणेश, सच में आज बहुत थक गई थी, सोचा 5 मिनट आराम कर लेती हूँ पर आंख लग गई। लेडी कुंभकर्ण भी होती है, आज मैंने अच्छी तरह देख लिया। तुम भी आकर उठा सकते थे ना। हाँ कोशिश करनी चाहिए पर कोई बात नहीं, अभी कहाँ देर हुई है। मैं तैयार हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, चलते। ओके 5 मिनट दो। 5 मिनट? सच में 5 मिनट? ओके सिर्फ 5। हाँ मैं रेडी हूँ गणेश। हेलो। अब चले? हाँ चलो। तुम अपना मुंह चलाओगी तो मैं अपना हाथ चलाऊंगा, समझी? तो क्या कर लोगे? डंटी होगी। देख गणेश इसको समझा के रख, जब देखो मेरी इज्जत उतरती है। पति भी तो ऐसा होना चाहिए कि उसकी इज्जत कर सके। मैं तुझे घुमाने नहीं ले जाता नहीं। क्या वो फिल्म नहीं दिखाई थी? हाँ ले गए थे कई सालों पहले। तो महीने में 10 बार फिल्म देखनी है क्या? फिल्म देखने जाओ तो मेरे साथ बैठ के फिल्म नहीं देखती, फोन पे लगी रहती है पता नहीं किसके साथ। अगर इसका चक्कर नहीं है तो फोन पे किसके साथ बात करती है बता गणेश? वो किसके साथ बात करती है मैं कैसे जान सकता हूँ? ये बात कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकती। चुप करने तो दूंगा एक रख के। सुबह हुई नहीं कि फेसबुक पे पोस्टिंग, ट्विटर पे ट्वीट, इंटरनेट पे सर्फिंग और सेल फोन पे लगी रहती है। और पति घर आए तो ठंडी ठंडी लस्सी देनी चाहिए लेकिन सुबह से शाम तक आई गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स ये बातें फेसबुक पर पोस्ट करती है। ऑफिस में बिजी हूँ कहकर नेटवर्किंग साइट पर रानी के साथ चैटिंग करते थे और मैंने पकड़ लिया था। तुम भी क्या कुछ कम हो क्या? रानी नाम की लड़की बन के मुझसे चैट करती थी। सलमान खान की फोटो डालकर कितनी लड़कियों को धोखा दिया है। तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी। क्या गुलछरे उड़ाते हो मुझे सब कुछ पता है। तुम क्या क्या करते हो मुझे सब कुछ पता है। हाय गणेश, गुड मॉर्निंग। और रात को नींद ठीक से आई कि नहीं? हाँ बढ़िया नींद आई, आपकी वजह से मस्त सोया। ओके अब चलो भी। हाँ आ रही हूँ जी। वीकेंड है ना, मजे करने जा रहे।
तो तुम इसे क्यों बता रहे हो? वीकेंड के बारे में बताया, हनीमून के बारे में नहीं। चल दरवाजा बंद कर। क्यों? तुम नहीं बंद कर सकते? प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ब्रेक क्यों कर दिया? अरे भूख लगी तो क्या करेंगे? भूख लगी रहती है तो खाना पड़ेगा ना। सर आइए सर। नमस्ते। स्क्रिप्ट रेडी है? लाइटिंग रेडी है? आप रेडी हैं सर? नो आई एम नॉट। लेकिन क्यों सर? व्हाई? व्हाट हैपेंड? क्राइम स्टोरी करना खतरे से खाली नहीं है, पब्लिक इसे रियल मान लेती है। तुम्हारा शो है हटके पड़ते हैं मुझे फटके, इसलिए मुझसे नहीं होगा। सर सर ऐसा मत कहिए सर, आर्टिस्ट ना हार्ट की तरह होता है, एक बार बंद हुआ तो बंद। ए, 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 क्या कहा? क्या है ना सर, आर्टिस्ट ना हार्ट की तरह होता है, एक बार बंद हुआ तो बंद। ओके बट क्राइम नहीं चाहिए। ओके सर, प्रोग्राम चेंज कर देंगे, रंग भर देंगे सर। मैं भरूंगा? प्रोग्राम का नाम है सर कुंडली के लिए पत्थर रंग भरेगा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। प्रॉब्लम भी नहीं होगी सर। ओके सीता कालम सलवेंद्रम भद्राचालम गाली गोपरम नीलाकाशम निंड पूर्णमे। एक पत्थर आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। भिखारी को भी BMW कार खरीदने का मौका मिलता है। बुजुर्ग लोग भी पत्थर पहनने की सलाह देते हैं, पर अब वो ट्रेंड बदल गया है। ढेर सारे पत्थर पहनने की प्रथा पुरानी हो गई। चारों उंगलियों में पत्थर पहनने के बजाय एक चमत्कारी पत्थर पहनिए। हम इस धरती पे आए हैं तो ये पत्थर ही हमारी रक्षा करेगा। पाषाणो रक्षत रक्षित, आप पत्थर की रक्षा कीजिए, पत्थर आपकी रक्षा करेगा। सुभस्य शीघ्रम ओम। कट। क्यों भाई, आपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में क्या बोला था? सीता कालम रावणम दुष्यम। ऐसे नहीं सर, सीता कालम सलवेंद्रम भद्राचलम गाली गोपरम। अच्छा। नीलाकाशम निंड पूर्णमे। अच्छा। ऐसे मतलब क्या है इसका? वो नहीं मालूम सर, डायरेक्टर ने बोला इसलिए बोल दिया। डायरेक्टर ने बोला कुछ भी बोलता है। चल अब खड़े हो जा। तो मैं जाऊं सर? क्यों बे, पत्थर ही रक्षा करेगा बोला था ना। हाँ सर। अब तेरे सर पे पत्थर मारूं क्या? ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए। क्यों बे, तू रंग पत्थर और हीरे के बारे में जानता है क्या? वो तो नहीं पता सर। अबे कन खजूरे, तेरी बात मानकर मैंने जो पत्थर पहना उससे मैं बर्बाद हो गया। मेरा पूरा परिवार सड़क पे आ गया। ICU में तो तू जाएगा। कहीं दोबारा कभी अगर ऐसी बकवास ऐड का टीवी में प्रोग्राम करेगा ना तो तुझे पत्थर से मारूंगा। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ए, चलो रे। मुझे पत्थर से मारेगा तो अभी क्या प्यार कर रहा था? चचा। Wait a minute, गणेश, तुम्हारा आज का क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं, क्यों? कहीं चले क्या? ये क्या, मेरे मन की बात ये बोल रही है? तुम्हारा कोई प्रोग्राम है क्या, बताओ। तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज? एक मिनट। हाँ ये क्या है, मेरे मन की बात वो क्यों कर रही है? लगता है इसका भी वही प्लान है। ओ, प्लान चाहे कोई भी हो, मजेदार होना चाहिए और अपने टाइप का भी। हाँ। तो चले। गणेश। हाँ? अब कार में नहीं, बाइक पर चलते हैं। ओके। तो कहाँ जाना है? पहले चलो, बाद में बताती हूँ। ओके। कहाँ लो? चलते रहो, मैं बताती हूँ। यहाँ? हाँ, तुमने कहीं और सोचा था? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
गणेश। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आप सबसे मिलवाने के लिए लाई हूँ। देखा, हमेशा अकेले आने वाली संध्या आज लड़के के साथ आई है, क्या मतलब होगा? मतलब क्या है, दिल मिल गया होगा। दिल मिल गया है तो ठीक है, लड़का देखने में तो अच्छा है, संध्या के लिए यही सही है। सही कह रहे हो। क्या हो गणेश, बोर हो रहे हो क्या? यहाँ रहने से बोर नहीं हो रहा हूँ, इस तरह रहने से बोर हो रहा हूँ। मतलब? हम साथ में कोई खेल खेल सकते हैं। खेल? कैसा खेल? हम सब क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट खेलेंगे? पर ये सब कैसे खेल सकते हैं? ये सब क्यों नहीं खेल सकते? यहाँ पर गणेश खड़ा है। एक मिनट रुको। हेलो शेखर। The Grand Old Premier League between Kings Challengers and Beauty Queens. Kings Challengers ने बैटिंग का फैसला किया है और Beauty Queens वाले टॉस हारकर बॉलिंग करने उतरे हैं। Cheer Girls भी मौजूद हैं। और ये देख लिया ना, विकेट लिया, देखा। पांच ओवर पूरा होने के बाद किंग्स चैलेंजर्स 36 रन के स्कोर पर अपने 7 विकेट गंवा चुके हैं और अब ये मैच जीतने के लिए ब्यूटी क्वींस को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ब्यूटी क्वींस पिच पर उतरी है, देखते हैं क्या होता है। लास्ट बॉल, ब्यूटी क्वींस को ये मैच जीतने के लिए एक बॉल में 6 रन की जरूरत है। कम ऑन। क्या दादाजी, आपने कैच क्यों छोड़ दिया? एक बार तुम अपनी दादी को तो देखो, कितनी खुश लग रही है। जीवन भर उसने मेरे साथ बहुत कष्ट उठाए, दुख उठाए, कम से कम उसे जिताकर थोड़ी खुशी तो दे सकता हूँ मैं उसे। धन्यवाद बेटा, हम बहुत खुश हैं, तुम्हारी वजह से आज बहुत खुशी हो रही है। नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं, जो कुछ हुआ है संध्या की वजह से। धन्यवाद बेटा। धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं। बाय बाय बाय। गणेश। हाँ? आज तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक्स। अरे माय प्लेजर, चले। धीरे धीरे हम
वो एक मिनट। हेलो, हाँ बोल। एरिया बस 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 बस। वीकेंड तो फैमिली के साथ बिताना चाहिए, प्यार से गुजारना चाहिए। ये क्या फाइटिंग कर रहे हो? वैसे भी लेट हो गया है, घर जाके लेट जाओ। hey, तू कौन है बे? ये मेरे घर का मामला है। घर का मामला घर के बाहर सड़क पर आ गया है, अभी भी घर का कह रहे हो? चलो निकल लो। लगभग इस दुनिया के हर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स बैठकर बात करने से सॉल्व हो जाते हैं। बैठकर बात करनी है या हाथ पैर तोड़वाना है? तुम्हारे बाप दादा को ये प्रेम कहानी ना समझ में आया तो बात अलग है, लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम तो आज के ही हो ना। क्यों भाई, हिंदी फिल्मों में शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार सब लोग प्यार के लिए लड़ते हैं, फिर भी तुम लोग समझ नहीं पाते हो? भाई कसम खाते हैं भाई, आगे से मारा पीटी नहीं करेंगे भाई, प्यार करने वालों को हम ही प्यार करेंगे, जाने दो ना भाई। चल निकल। थैंक यू भाई। बॉस प्यार से कहता हूँ, बैठ कर बात करनी है तो कहीं भी करेंगे, और मारपीट करनी है तो खुशी खुशी कहीं भी कर सकते हैं। बस एक बार तय कर लो और मुझे बता दो, सीधा मेरे घर आ जाना, फ्लैट नंबर 502, हैप्पी होम अपार्टमेंट्स, माधवपुर। दिमाग शांत रख के सोच के बताना। चलो चलो बैठो। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ, तेरे रामन की खुशबू से महके चमन, संग मर मर के जैसा ये तेरा बदन। अरे रे 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 रे, क्या क्लाइमेट है यार, और ऊपर से वीकेंड है, इस वीकेंड में इस कहानी को खत्म करना ही पड़ेगा, और लेट हो गया ना तो हमेशा के लिए लेट जाऊंगा। इस वक्त जरूर कोई ना कोई तो डिस्टर्ब करेगा, उससे पहले स्विच ऑफ कर देता हूँ। अगर आज ये ट्रेन छूट गई ना तो गांव की ट्रेन छूटूंगा। अरे क्या हो गया, तुम हमेशा इतनी बकबक करते रहते हो, आज क्या बात हो गई, इतने साइलेंट क्यों हो? तो वायलेंट बन जाऊंगा। गणेश हाँ, क्या हुआ, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ आज मौन व्रत रख लूं। ये सब कुछ मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि तुम कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो। अरे ये तो प्लान की बात कर रही है, मेरे मन की बात पढ़ ली क्या? मेरा प्लान तो कामयाब नहीं होगा, कोई चांस नहीं।
सोचो 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 आइडिया। संध्या? हाँ? संध्या? हाँ बोलो ना। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं जानती थी गणेश तुम्हारी साइलेंट का मतलब कुछ ना कुछ होगा। अच्छा ठीक है बताओ। वो मैं चाहता हूँ तुम एक ड्रेस पहनो। कौन सी ड्रेस? मैं जानता हूँ तुम ऐसी ड्रेस नहीं पहनोगी, लेकिन रोज तुम्हें साड़ी में ड्रेस में देख के थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ। प्लीज एक बार पहन लो प्लीज। मुझे ऐसी ड्रेस पसंद नहीं है, तुम जानते हो ना। प्लीज सिर्फ एक बार मेरे लिए। प्लीज 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 संध्या, प्लीज संध्या प्लीज। नो गणेश, सिर्फ एक बार संध्या प्लीज। नो प्लीज 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 प्लीज। नो गणेश, सिर्फ एक बार पहनो ना प्लीज। ठीक है तुम्हारे लिए पहन रही हूँ। तुम बहुत जिद्दी हो सच में। एक बार ये ड्रेस तो पहन के आओ, फिर अपने रास्ते पर तुम्हें कैसे लाता हूँ देख लेना। गणेश छुआ सांसों
छुपके छुपके अखियों के रास्ते मन में कहीं तुम जा गए। चाहूं क्या मैं और जहां में पास मेरे तुम जो आ गए। बस चाहूं दिन रात तुझे इतना ही अब काम रहा। तेरे बिन एक पल भी मुझे अब न कहीं आराम रहा। कटती नहीं तेरे बिन अब रातें, कहनी है तुमसे जो दिल की बातें। रहना है बस तेरे दिल में मुझको, होना है तुझ में फना। Oh no! Happy birthday, Ganesh! अंदर आओ गणेश। हैप्पी बर्थडे गणेश, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कम भगवान की पूजा करो पर माँ को कभी मत भूलना गणेश। माँ ही होती है जो हमें जन्म देती है, इस दुनिया में लाती है। तुम बहुत अच्छे लड़के हो गणेश, तुम हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हो, उनकी खुशियों का ख्याल रखते हो, सबकी मदद करते हो, बड़ों की इज्जत करते हो, तुम रिश्तों की कद्र करना जानते हो, सामने वाले को तकलीफ में देखकर तुम उसकी मदद करते हो, हर पल बस दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हो, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। तुम्हारे इसी स्वभाव से मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। जानते हो इस दुनिया में सबको प्यार की जरूरत होती है, मेरे जैसी कोई भी लड़की तुम्हारे जैसा ही हमसफर चाहेगी। सर आइए सर। डॉक्टर घबराने की कोई बात नहीं है, बस नॉर्मल फीवर है, मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, उससे आराम मिल जाएगा। डेली 3 बार कुछ खाने के बाद कल तक बुखार उतर जाएगा। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। गणेश अब तबीयत कैसी है? ठीक है। कॉफी वहाँ टेबल पर रखी है, अपनी टैबलेट लेना मत भूलना। मैं ऑफिस जाकर आती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। ओके सॉरी। क्या कहा? आई एम सॉरी संध्या। किस लिए? कल मैंने तुम्हें गुस्से में क्या क्या कह दिया, आई एम रियली सॉरी। आई कैन अंडरस्टैंड, वैसे मैंने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। एक
अबे तू रुक क्यों गया? किसी का फोन है यार। क्या हो गया श्री? 15 दिन हो गए तुमने मुझे फोन नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया। मैंने तुम्हें कई बार फोन किया लेकिन तुमने रिस्पांस नहीं किया। चिल बेबी, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। आईटी के जॉब से भी मुझे निकाल दिया है। मेरी हालत बहुत खराब है। कुछ पैसे दे सकते हो क्या? फ्री है तो बोल, पब में चलते हैं। कल फ्री है तो रिसोर्ट में चलेंगे। लेकिन आज के बाद पैसे मांगने के लिए कभी फोन मत करना। रूपा, लाइट बंद करो। दिन में भी ये लोग लाइट चालू रखते हैं, क्या है ये? क्या है रूपा? आंटी, मैं रूम खाली करके जा रही हूँ। हॉस्टल फी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये रख लीजिए, मैं पैसे देके वापस ले जाऊंगी। आंटी, आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कायदे कानून होते हैं, लेकिन माँ बाप के प्यार में नहीं। सॉरी डैडी। शांत हो जाओ, चलो अपने घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। अब कैसे हो गणेश? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे संध्या ने बताया था। शेखर अब कैसा है? वो ठीक है यार, 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। और ये वीकेंड तो मिस हो गया, नेक्स्ट वीक क्या प्लान करेंगे यार? ये वीकेंड मिस नहीं हुआ है। आई थिंक आई एम इन लव विद संध्या। व्हाट? लेकिन तुम्हें तो कभी सच्चा प्यार हुआ ही नहीं। गाइस, इस वीकेंड में संध्या को प्रपोज करना चाहता हूं। लाइफ में बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी से खेला, प्यार के नाम पे कईयों को बेवकूफ बनाया। लड़कियां ऐसी होती है वैसी होती है कहके थियरी बनाता गया, लेकिन ये सब गलत है। मैं तो ना समझ की तरह बिहेव कर रहा था, शेखर का हाल देख के समझ पाया। मेरी वजह से कई लोग हर्ट हुए होंगे, अपने शेखर की तरह कई लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा, ये सोच के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन सच्चा प्यार क्या होता है ये मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में संध्या से पता चला। सच में मैं उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए उसे फ्लैट में लाया था, लेकिन संध्या वो मुझ पर भरोसा करके, मुझ पर यकीन करके मेरे साथ रहने के लिए मान गई। संध्या को फंसाने के लिए मैंने कई प्लान बनाए, लेकिन हमेशा मैंने उसके मन के अंदर की अच्छाई को देखा। मैं अपने बर्थडे के बारे में भूल गया और मैं संध्या को फंसा के उसके साथ एंजॉय करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो 12 बजे के इंतजार में केक, कैंडल, सब कुछ तैयार कर रही थी और फिर सब कुछ बदल गया। हैप्पी बर्थडे गणेश। तुम बहुत अच्छे लड़के हो गणेश, तुम हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हो, उनकी खुशियों का ख्याल रखते हो। एक लड़की सच में प्यार करे तो वो प्यार कितना गहरा होता है ये संध्या से मिलकर पता चला। मुझ में बहुत सी बुरी बातें हैं, लेकिन वो मेरे बारे में जब भी बोलती है अच्छा बोलती है। तब से मैं लड़कियों के बारे में जो सोचता था वो पूरी तरह से मिट गया है। लेकिन तुम्हारे जैसा अच्छा लड़का साथ रहे तो जिंदगी भर हिम्मत से खुशी से रह सकती हूँ। बस अब मुझे वीकेंड एंजॉयमेंट नहीं चाहिए, लाइफ लॉन्ग मुझे संध्या का प्यार चाहिए। उस प्यार को पाने के लायक मैं हूं या नहीं पता नहीं, लेकिन संध्या नहीं मिली तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। गणेश, तुम संध्या से कितना प्यार करते हो ये सबको अच्छे से मालूम है। गणेश, संध्या के प्यार ने तुझे बदल दिया यार, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कॉन्ग्रेट्स यार। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर यार। शो। बाय बाय। अपनी
गणेश, मैं अभी आती हूँ। संध्या। हाँ? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। नहीं अभी नहीं, शाम को कहता हूँ। कोई बात नहीं गणेश, अभी बता दो ना। अभी अभी तो हाँ, मैं क्या, हम शाम को डिनर पे चलें? ओके। तुम बस आराम करो, मैं अभी आता हूँ। ओके। शायद प्रपोज करेगा। बाद में क्यों, अभी बताना चाहिए था ना। तुमने भी मेरी तरफ फील किया होगा। आई लव यू संध्या। गणेश, प्रपोज करने वाले हो क्या? मुझे पता है तुम प्रपोज करने वाले हो, तो जल्दी करो ना। गुड इवनिंग। मैं तुम योर ऑर्डर प्लीज। बताता हूँ। ओके सर। गणेश, तुम कुछ कहना चाहते थे ना? मैं जाकर आऊं। कहाँ जा रहे हो? किसी लड़की से सच्चा प्यार करो तो आई लव यू बोलना कितना मुश्किल होता है। मैं कई लड़कियों को आई लव यू कह चुका हूँ, पर आज जुबान पर क्यों नहीं आ रहा संध्या? मुझे हिम्मत जुटाकर कहना ही होगा। संध्या, आई लव यू, सच में दिल से। कितनी बार समझाओ, तुम कितना भी ट्राई कर लो, मैं नहीं फंसूंगी, नहीं फंसूंगी, नहीं फंसूंगी। ए लड़की, गणेश ट्राई करे और कोई लड़की फंसे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये देख। हेलो मिस्टर गणेश लवर मैन, कहो क्या हाल है। लड़कियां पटाने के लिए तुम कॉलेज बदलते हो ये जानती हूँ, कैरेक्टर और अपने एड्रेस बदलोगे ये नहीं जानती थी। वाह गणेश, ये कैसे हुआ, तुम एक लड़की के साथ इतने टाइम तक? कमाल है, किसी भी लड़की को तुम ज्यादा दिन तक मेंटेन नहीं करते, क्यों? ये बहुत पसंद आ गई क्या? एनीवे, कांग्रेचुलेशंस, आई विश यू वेरी हैप्पी वीकेंड। अगली बार तुम नहीं होगी, तुम्हारी जगह कोई दूसरी लड़की होगी। मिस्टर गणेश, मैं यहाँ आई हूँ इसकी हेल्प करने के लिए, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। सी यू। तुम्हारे बर्ताव की वजह से मुझे लगा कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, दोस्तों का साथ देने वाला, सबकी मदद करने वाला। मुझे खुश रखने के लिए तुमने आज तक ना जाने क्या कुछ नहीं किया, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, साथ रहना तो दूर की बात है,
मैं तो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन ये सब नाटक था। ये सब तुमने किया सिर्फ एक शर्त जीतने के लिए। मुझे धोखा दिया, ऐसा क्यों किया तुमने? संध्या, अपने माँ बाप के बाद मैंने तुम पर विश्वास किया था, पर तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। कितनी बेवकूफ थी मैं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग एंड गुड बाय फॉरएवर। जा बात तू सुन ले, ओ जाओ ना ऐसे रूठ कर मुझसे। माना खता कि हमने यार माफ कर दे, ओ मगर तुम ही मेरा प्यार कसम से। न तेरे बिना जी सकूंगा तन्हा, कहीं रह ना सकूंगा मैं ओ सनम। मुझे भूल गए तुम ऐसे तो घुट घुट कर मर जाऊंगा हमदम। मन ओ मन रुक जा बात तू सुन ले, ओ जाओ ना ऐसे उठ कर मुझसे। अभी भी एहसास है तेरा, गुजारे तेरे संग जो भी पल है वो पल याद आ रहा। मेरे एहसास में है तू, मेरी हर सांस में है तू। न तेरे बिना जी सकूंगा तन्हा, कहीं रह ना सकूंगा मैं ओ सनम। मुझे भूल गए तुम ऐसे तो घुट घुट कर मर जाऊंगा हमदम। मन ओ मन रुक जा बात तू सुन ले, ओ जाओ ना ऐसे रूठ कर मुझसे। सनम ये दूरिया है क्यों, बने थे एक जान हम सनम, तो फिर तन्हाइया है क्यों। मेरा अरमान तुम ही हो, मेरी पहचान तुम ही हो। न तेरे बिना जी सकूंगा तन्हा, कहीं रह ना सकूंगा मैं ओ सनम। मुझे भूल गए तुम ऐसे तो घुट घुट कर मर जाऊंगा हमदम। दीदी दीदी दीदी, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। एक्सक्यूज मी।
मेरा नाम रघुराम है, हैदराबाद से आया हूँ तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए। अरे रे, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं गणेश का चाचा हूँ। आज तक तुम जिस गणेश के साथ रह रही थी, जानती हो वो कौन है? विश्वामित्र आईटी सॉल्यूशंस के चेयरमैन रघुमित्र विश्वामित्र का बेटा। यस, द वन एंड ओनली सन ऑफ रघुमित्र विश्वामित्र। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी के एमडी का बेटा होने के नाते उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, लेकिन वो फ्रेंड्स, पार्टीज, लड़कियां, ऐसी जिंदगी जी रहा था। तो एटीट्यूड से भरे गणेश को एक एमडी की कुर्सी पर बिठाएंगे तो कंपनी को लॉस हो सकता था और बहुत से लोग सड़क पे आ सकते थे। इसीलिए भैया ने गणेश को यह सब देकर अपने से दूर किया था। बचपन से वो डैड मुझे चॉकलेट चाहिए, बिस्किट चाहिए, वीडियो गेम चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें वो अपने डैड से मांगता रहता था। देखते ही देखते गणेश 16 साल का हो गया। अब वो सिगरेट मांगने लगा, पूछने लगा कि शराब कहां मिलती है। लेकिन भैया ने उसे टोका नहीं, उन्हें डर था कि वो सामने पीने लगेगा। उसकी आदतें इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। ये बात भैया को मन ही मन बहुत सताती थी। अपने बेटे को बर्बाद होते वो नहीं देख पा रहे थे। उसकी आदत इतनी बिगड़ चुकी थी कि भैया के लिए उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। गणेश और भैया के बीच की दूरियां बढ़ती चली गईं। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है, लेकिन एक बाप अपने बच्चे के जीवन को संवारने के लिए जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन लेगा, ऐसा समाज में कहीं नहीं सुना गया। बेटा के पैदा होने पे बाप को कितनी खुशी मिलती है वो एक बाप का मन ही जानता है, और उसे नापा नहीं जा सकता। ऐसा होता है बाप बेटे का संबंध। भैया सोचते हैं कि प्यार को मांगा नहीं जा सकता, लेकिन मांगने के लिए प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं है, ये मेरी सोच है। इसीलिए मैं आया हूं बेटी, तुम्हारे प्यार ने गणेश को पूरी तरह बदल दिया है। भैया गणेश को जैसा देखना चाहते थे आज वो वैसा ही है। अब गणेश प्यार का मतलब समझ चुका है। प्रेमियों के बीच की दूरी का दर्द उसने महसूस किया है। जो काम एक पिता एक चाचा न कर सके, वो काम तुमने कर दिखाया है बेटी, तुम्हारे प्यार ने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एक बात कहूं, बहुत लोग प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं उनके अंदर की बुराई की वजह से। लेकिन सच्चा प्यार करने वाले एक दूसरे की बुराई को जानते हुए भी माफ कर देते हैं। तुम्हारा प्यार सच्चा है बेटी, ये हम जानते हैं। अब आगे तुम्हारी मर्जी। कितनी बार कहना पड़ेगा तुमसे? ये कोई टाइम है घर आने का? मैंने फ्लैट में आने से पहले ही क्लियर कर दिया था, लेट से मत आना। लिविंग टुगेदर का मतलब ये नहीं है कि जब तुम्हारा मन करे तब आओ, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए घर में कोई वेट कर रहा है ये भूल जाते हो क्या? तुम हमेशा यही करते हो, कितनी बार समझाया तुम्हें? सॉरी संध्या। अब सॉरी मत बोलो। हाँ, लव यू।
गणेश गणेश नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है? सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद से मैं तुझे देख रहा हूँ तो पूरी तरह डल क्यों लग रहा है? अभी हमेशा खुश रहना, कभी उदास मत होना। तुम्हें क्या पड़ी है? तुम्हारे पास संध्या है, इसके पास गीता है, मेरे पास क्या है? पपीता। ए इडियट, हमेशा तू सबसे यही कहता रहता है लेकिन इस दुनिया में कोई तुझसे भी प्यार करता है? यानी कि आई लव यू शेखर। ये एक मंदिर है, यहाँ तो सब्र रखे। ठीक है, चलो तुम निकली। Happy married life. Thank you, sir. मेरे पास आओ बेटी। ये क्या फालतू की बकवास लिखी है? किसने तुम्हें यहाँ भेज दिया आधे उबले चावल? इतनी ज्यादा पढ़ाई करके क्या झंडे गाड़ने वाले थे? ओ, तुम्हारे पिताजी कारपेंटर थे। अच्छा, खिड़की के बारे में कुछ बताओ। मैं विंडो के बारे में जानता हूँ, तुम्हारे घर की खिड़की के बारे में नहीं। हैला सर, गुरुजी। गुरु को पहचानने के लिए थैंक्स। क्या बात कर रहे हैं सर, आपको कौन नहीं पहचानता है, इतने बड़े स्टार जो है आप। वैसे आपको जॉब की क्या जरूरत? बेटा, तुम मेरे जैसे महान कलाकार की तकलीफ नहीं समझोगे। लाइफ में सिर्फ काम ही सबसे बड़ा होता है, स्टार और स्टार कुछ नहीं होता। एक बार बनो तब जानो। मैंने क्या नहीं किया, एंकरिंग की, एक्टिंग के लिए अपना जॉब छोड़ा। सारा खेल कुर्सी का है। मैंने यहाँ कुर्सी छोड़ी और तूने मौका पाते ही कुर्सी पकड़ ली। मुझसे तुम जो मेरे यारा रह जाते, अधूरे सारे सपने मेरे यारा। मिलो तुम मुझे तो फिर खुले ये नसीब, तुम आ गए जो मेरे दिल के करीब। दिल 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 हुआ हुआ रोशन मेरा, दिल ये हुआ हुआ रोशन। खिला खिला गुलशन मेरे दिल का, खिला खिला गुलशन। मेरे हमदम ना मिलते मुझसे तुम जो मेरे यारा रह जाते, अधूरे सारे सपने मेरे यारा। तुझे तो लगायो मुझे, बनाया गया है मेरी खातिर तुझे। तुम मानो ना मानो ये सच है सनम, दिखता है तुझ में मुझको अपना रब सनम। दिल 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 हुआ हुआ रोशन मेरा, दिल ये हुआ हुआ रोशन। खिला खिला गुलशन मेरे दिल का, खिला खिला गुलशन। मेरे हमदम ना मिलते मुझसे तुम जो मेरे यारा रह जाते, अधूरे सारे सपने मेरे यारा।
मिला, जीने का मकसद तुम्ही से मिला।